हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन। मैं सर सुमित सिंह और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे इस डीसीसी फैमिली के यूट्यूब चैनल्स पे। आई होप कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और मैं एक छोटी सी पहल शुरू करने जा रहा हूं। इस पहल में इस यूट्यूब चैनल पे हम कुछ ट्रिकी सम्स, कुछ ट्रिकी चैप्टर्स जिनको शॉर्टकट तरीके से छोटे छोटे वीडियोस में आप तक पहुंचाएंगे। आई होप कि ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। चलिए आज मैं आपको इकोनॉमिक्स का चैप्टर नेशनल इनकम, खास करके उसके प्रैक्टिकल सम्स को सॉल्व करना सिखाऊंगा। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से, बहुत ही हेल्पफुल ट्रिक है और ये चीज श्योर है कि एग्जाम में क्वेश्चन इससे आना ही आना होता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो जो कि बेस्ड होगा नेशनल इनकम के प्रैक्टिकल सम्स पे। तो आपने पढ़ा होगा जो नेशनल इनकम यूनिट है जो दो पार्ट में कैटेगराइज है। पहले पार्ट में हमको नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स पढ़ने होते हैं, दूसरे पार्ट में हमको वेरियस मेथड्स पढ़ने होते हैं नेशनल इनकम फाइंड आउट करने के। तो ये हमारी वीडियो नेशनल इनकम के एग्रीगेट पे बेस्ड है कि नेशनल इनकम के कौन कौन से एग्रीगेट हैं, आप एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट पे जा कैसे सकते हो, यही चीज आपको पढ़ना है आज के हमारे इस वीडियो में। तो आइए हमारे साथ मिलकर शुरू करते हैं। देखिए मैंने क्या करा, एग्रीगेट को दो ब्रॉड कैटेगरीज में बांट दिया। पहली कैटेगरी जिसमें मैंने डोमेस्टिक एग्रीगेट रखा और दूसरी कैटेगरी जिसमें मैंने नेशनल एग्रीगेट रखा। टोटल कुल मिला के 8 एग्रीगेट पढ़ने होते हैं नेशनल इनकम में, जो 4 बिलोंग करते हैं डोमेस्टिक कैटेगरी से और 4 बिलोंग करते हैं नेशनल कैटेगरी से। डोमेस्टिक कैटेगरी में जो पहला एग्रीगेट है GDP MP, जी स्टैंड फॉर ग्रॉस, डी स्टैंड फॉर डोमेस्टिक, पी स्टैंड फॉर प्रोडक्ट, MP स्टैंड फॉर मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सिमिलरली GDP FC, FC स्टैंड फॉर फैक्टर कॉस्ट, G स्टैंड फॉर ग्रॉस, D स्टैंड फॉर डोमेस्टिक, P स्टैंड फॉर प्राइस प्रोडक्ट सॉरी। अगेन N स्टैंड फॉर नेट, D स्टैंड फॉर डोमेस्टिक, P स्टैंड फॉर प्रोडक्ट, MP स्टैंड फॉर मार्केट प्राइस। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, सिमिलरली नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये 4 एग्रीगेट डोमेस्टिक एग्रीगेट्स हैं और सिमिलरली इसी तरीके से 4 एग्रीगेट नेशनल एग्रीगेट भी बने हुए हैं। बस अंतर क्या है कि जहां यहां पे डी दिख रहा है आपको, हर जगह आपको एन दिखेगा नेशनल एग्रीगेट्स में। प्रोनाउंस क्या करेंगे इसको, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये 8 एग्रीगेट NI में हमको पढ़ने होते हैं। इस एग्रीगेट को NMP FC को हम नेशनल इनकम के नाम से भी जानते हैं। इस एग्रीगेट को हम नेशनल इनकम के नाम से भी जानते हैं और NDP FC को हम डोमेस्टिक इनकम के नाम से जानते हैं। इस बात पे फोकस कीजिएगा। आइए अब मैं आपको कन्वर्टेबिलिटी रूल पढ़ाता हूं कि आप किसी एक एग्रीगेट और कुछ वेरिएबल्स की हेल्प से दूसरे किसी भी एग्रीगेट पे कैसे जा सकते हैं। इट मींस कि आप एक एग्रीगेट को दूसरे एग्रीगेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कन्वर्टेबिलिटी रूल आप पढ़ने जा रहे हो। तीन वेरिएबल्स पे आपको फोकस करना है। पहला है डेप्रिसिएशन, दूसरा है NFIA, एन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। फोकस कीजिएगा मेरी बात पे, मैंने नेट बोला और मैंने एफ फैक्टर बोला है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। सिमिलरली नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये तीन वेरिएबल कौन कौन से, डेप्रिसिएशन, NFIA और तीसरा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये तीन वेरिएबल्स हैं जो आपको किसी एक एग्रीगेट को किसी भी दूसरे एग्रीगेट में कन्वर्ट करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो देखिए जब हमारे पास एग्रीगेट नेट वाला प्रेजेंट है,
नेट वाला मतलब या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये, और हमको किसी ग्रॉस वाले में जाना है, किसी ग्रॉस वाले में कन्वर्ट करना है, तो अगर नेट का एग्रीगेट आपके पास अवेलेबल है और आपको ग्रॉस का एग्रीगेट बनाना है तो आपको डेप्रिसिएशन सिंपली ऐड करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आपके पास एग्रीगेट ग्रॉस अवेलेबल है और आप उसको नेट में कन्वर्ट करना है तो आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। इट मींस कि अगर नेट में डेप्रिसिएशन ऐड करा तो ग्रॉस, डेप्रिसिएशन को अगर ग्रॉस से सब्ट्रैक्ट करा तो नेट। सिमिलरली इसी तरह NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अगर आपने डोमेस्टिक इनकम में NFIA ऐड करा तो नेशनल इनकम, अगर आपने नेशनल में NFIA सब्ट्रैक्ट करा तो डोमेस्टिक। ठीक इसी तरह नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, अगर आपने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस फैक्टर कॉस्ट में ऐड कर दिया तो मार्केट प्राइसेस, अगर मार्केट प्राइस में से आपने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो फैक्टर कॉस्ट। आपको इन्हीं तीन वेरिएबल्स की हेल्प से कन्वर्टेबिलिटी करनी है। पहली चीज डेप्रिसिएशन, अगर ऐड करा नेट में तो डेप्रिसिएशन ऐड करने से ग्रॉस बन जाएगा, अगर ग्रॉस से डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट कर दिया तो नेट बन जाएगा, NFIA अगर डोमेस्टिक में ऐड करा तो नेशनल बन जाएगा, अगर NFIA डोमेस्टिक नेशनल से सब्ट्रैक्ट करा तो डोमेस्टिक बन जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर मार्केट प्राइस से सब्ट्रैक्ट करा तो फैक्टर कॉस्ट बन जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर फैक्टर कॉस्ट को ऐड करा तो मार्केट प्राइस बन जाएगा। आपको बेसिकली यही चीज करना है। अब इस कन्वर्टिबिलिटी को हम एक एग्जांपल की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो आइए इस कन्वर्टिबिलिटी रूल को एक एग्जांपल से हम समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि आपको जीडीपी एमपी को एनएनपीएफसी में कन्वर्ट करना है। ये आपका एक सम है। देखिए कन्वर्जन होगा कैसे, तो जो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में आपको एनएनपीएफसी फाइंड आउट करनी है। तो एनएनपीएफसी को आप लिखो इक्वल टू से पहले, उसके बाद लगाओ इक्वल टू। जो वेरिएबल्स आपको गिवन है, तो जीडीपी एमपी को कन्वर्ट करना है एनएनपीएफसी में, तो यहां पर लिख दो जीडीपी एमपी। अब देखिए बेटा करना क्या है आपको, इस एग्रीगेट में ऐसा ट्रीटमेंट करना है कि वो एनएनपीएफसी में कन्वर्ट हो जाए। तो देखिए ग्रॉस को आपको नेट में कन्वर्ट करना है। मैंने बताया था कि अगर ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है तो माइनस करना पड़ता है डेप्रिसिएशन, तो आपने डेप्रिसिएशन कर दिया माइनस। इट मींस कि ये ग्रॉस जो था वो नेट में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम मूव करते हैं फर्दर, डोमेस्टिक को आपको नेशनल में कन्वर्ट करना है। तो मैंने बताया था कि अगर डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है तो NFIA ऐड कर दीजिए। तो आपको करना क्या है, सिंपली NFIA ऐड करना है। सिमिलरली इधर भी प्रोडक्ट, कोई दिक्कत नहीं। मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है तो माइनस करना पड़ता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। देखिए अगर बस इतनी सी ही बात, अगर इतना काम आपने किया तो आपका जीडीपी एमपी एनएनपीएफसी में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए प्रॉब्लम क्या आती है, इश्यूज क्या फेस करने पड़ते हैं एक स्टूडेंट को, कि क्वेश्चन में एनएफआईए डायरेक्टली नहीं दिया होता, क्वेश्चन में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्टली नहीं दिया होता। तो सर ये अगर डायरेक्टली ना दिया हो तो हम फाइंड कैसे करेंगे। देखिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए ये इंडिया और ये कोई फॉरेन कंट्री, हमारे यहां से कुछ लोग जाके यहां पे जॉब कर रहे हैं, फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं, या तो लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन में, तो कोई भी सर्विस अगर वहां पे दे रहे हैं और वहां से कमा के हमारे देश में पैसा आया, सपोज करते हैं कि 500 रुपए, ठीक है। सिमिलरली उस फॉरेन कंट्री के कुछ लोग हमारे यहाँ जॉब कर रहे हैं और वो लोग हमारे देश से 300 रुपए कमा के चले गए। इट मींस कि नेट इनकम कितनी हुई, नेट फैक्टर इनकम कितनी हुई है अब्रॉड से, तो 500 माइनस 300, इट मींस कि नेट हमने जो इनकम अर्न करा वो रुपीज 200 रहा।
सर एनएफआईए अगर हमको फाइंड आउट करना है तो हमको फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड में से, मतलब जो हमने दूसरे देशों से कमाया उसमें से फैक्टर इनकम टू एब्रॉड को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें, इट मींस कि जो हमारे देश से दूसरे देश कमा के ले गए उसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड आ जाएगा। ठीक इसी तरह बेटा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपको क्या करना होता है कि हम गवर्नमेंट को कुछ टैक्स भरते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस भरते हैं। अब तो खैर इनका नाम बदल गया है, अब ये जीएसटी हो गए हैं। तो क्वेश्चन में अगर जीएसटी दिखे तो समझ लेना कि इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहा है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में से कुछ हम सब्सिडीज जो हमको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, अगर उस सब्सिडीज को सब्ट्रैक्ट कर दें तो पता चल जाता है कि नेट हमने कितना टैक्स भरा। इट मींस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस या जीएसटी माइनस सब्सिडीज, इतना आपने करा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको मिल गया। डेप्रेसिएशन के बारे में बस इतना कहूंगा कि क्वेश्चन में डेप्रेसिएशन डायरेक्टली नहीं लिखा रहता, उसके जगह पे कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल लिखा रहता है। तो सर वो कुछ और नहीं, वो तो डेप्रेसिएशन ही है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो बस ऐसे ही आपको ये करना है। अब इस ये जो है ये वेरिएबल के बेसिस पे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, इसी क्वेश्चन को ऐसे ही एक क्वेश्चन को न्यूमेरिकल एग्जांपल्स की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे। और मैं इसको इरेज कर देता हूं कन्वर्टिबिलिटी रूल को, आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। देखिए आपके पास एक क्वेश्चन, सिंपली आपको फाइंड आउट क्या करना है, एनएनपीएफसी फाइंड आउट करना है। फिगर्स क्या क्या गिवन है बेटा, जीएसटी गिवन है, यानी कि जीएसटी मतलब क्या सर, इनडायरेक्ट टैक्सेस। सब्सिडीज गिवन है, जीडीपी एमपी गिवन है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इट मींस कि डेप्रिसिएशन गिवन है, नेट ट्रांसफर इनकम फ्रॉम एब्रॉड गिवन है, फैक्टर इनकम टू एब्रॉड गिवन है और फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड गिवन है। ये सारे फिगर्स अवेलेबल है बेटा। इन फिगर्स की हेल्प से अब आप कोशिश करते हैं कि हम एनएनपीएफसी फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। आइए हम सॉल्व करना चालू करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को आप लोग वीडियो पॉज करके राइट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जो आपको मैंने बताया फाइंड आउट करना है इक्वल टू से पहले लिखो, आपने फाइंड आउट करना है एनएनपीएफसी, आपने एनएनपीएफसी को इक्वल टू से पहले लिखा। अब देखिए क्या कोई एग्रीगेट अवेलेबल है इस पूरे क्वेश्चन में डाटा में, तो आपको दिखा कि हाँ सर जीडीपी एमपी अवेलेबल है। तो जो चीज अवेलेबल हो उसको आप इक्वल टू के बाद लिखते हो। अब बेटा आपको इस एग्रीगेट में ऐसा ट्रीटमेंट करना है कि ये आउटपुट निकल के आ सके। तो देखिए ग्रॉस दिया हुआ है, आपको नेट चाहिए, तो सिंपल सी बात है सर कि डेप्रेसिएशन सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ग्रॉस दिया हुआ है, नेट में कन्वर्ट करना है, ग्रॉस को अगर नेट में कन्वर्ट करना होता है सर तो डेप्रेसिएशन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सिमिलरली डोमेस्टिक को अगर नेशनल में कन्वर्ट करना है तो एनएफआईए को ऐड कर देते हैं, एनएफआईए को ऐड कर देते हैं। यहां पे भी प्रोडक्ट, यहां पे भी प्रोडक्ट, कोई दिक्कत नहीं। मार्केट प्राइस को अगर फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है बेटा तो आपको माइनस करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। मैंने बताया आपको कि क्वेश्चन में, चूंकि यहां पे क्वेश्चन में कहीं भी आपको डायरेक्टली एनएफआईए नहीं दिख रहा है, आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं दिख रहा है, तो बेटा आपको करना क्या है, मैंने बताया था कि जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए की जगह पे इनकम, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस कर देते हो फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, तो ये एनएफआईए मिल जाता है। सिमिलरली अगर आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालना है तो इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस अगर आप सब्सिडी कर दोगे बेटा तो आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी निकल जाएगा। आइए अब हम कोशिश करते हैं इन सारे फिगर्स को फाइंड आउट करने के। जीडीपी एमपी क्वेश्चन में अवेलेबल है 1000, आप यहां पे पुट करो 1000,
डेप्रेशिएशन माइनस करना है, तो डेप्रेशिएशन यहाँ पे कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल लिखा हुआ है 200, तो आप 200 सब्ट्रैक्ट कर दो। प्लस अब देखिएगा फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, फैक्टर इनकम टू एब्रॉड है ये, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड आपको डाटा अवेलेबल है 100, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड 100 माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड तो ये है 200। इसी तरह नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो क्वेश्चन में अवेलेबल है, जीएसटी दिया हुआ है, तो जीएसटी कुछ और नहीं इनडायरेक्ट टैक्सेस को ही बोलते हैं, और जीएसटी का फिगर जो अवेलेबल है बेटा 100 अवेलेबल है, तो यहाँ पे आप लिखोगे 100 माइनस सब्सिडीज की जगह पे आपको 70 अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे पुट कर दोगे 70। अब देखिए चलिए सॉल्व कीजिए, 1000 माइनस 200 ये हो जाएगा माइनस 100 और ये हो जाएगा माइनस 30। चलिए यानी कि 1000 में से 330 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1000 माइनस 330 तो ये आ जाएगा बेटा 670 और ये आपका फिगर क्या हो गया, एनएनटीएफसी का फिगर हो गया। देखिए कितना सिंपल रहा कन्वर्ट करना। एक बार रिवाइज करते हैं, सर जीडीपी एमपी अवेलेबल था, इसको कन्वर्ट करना था एनएनटीएफसी में, ग्रॉस दिया है, नेट में कन्वर्ट करने के लिए माइनस डेप्रेशिएशन, ओके, डोमेस्टिक दिया है, नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए प्लस एनएफआईए, मार्केट प्राइस दिया है, फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जीडीपी के जगह पे जीडीपी एमपी की जगह पे मैंने जीडीपी एमपी की वैल्यू रखी, डेप्रेशिएशन के जगह पे डेप्रेशिएशन की वैल्यू रखी, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड करा तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड मिल गया मेरे को, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी करा तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मेरे को मिल गया, और मैंने इस सम को सॉल्व कर दिया तो आपका आंसर आ गया। अब बात करते हैं बेटा यहाँ पे एक वेरिएबल जो सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, नेट ट्रांसफर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, इसको कंसीडर नहीं करना है, ट्रांसफर इनकम को कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि ट्रांसफर इनकम यूनिलेटरल इनकम होता है, इसके कंसीडरेशन में दूसरी पार्टी को कोई सर्विस रेंडर करने की जरूरत नहीं होती, देयरफॉर ट्रांसफर इनकम ट्रीट नहीं होता नेशनल इनकम कैलकुलेट करने टाइम, क्योंकि ये अर्नड इनकम है ही नहीं। तो अर्नड इनकम क्या है, फैक्टर वाला, तो सिर्फ आप फैक्टर इनकम को ही कंसीडर करते हो, ट्रांसफर इनकम अगर क्वेश्चन में कहीं दिख भी रहा है तो उसको कंसीडर नहीं किया जाता। तो ये रहा हमारे एग्रीगेट चैप्टर का कॉन्सेप्ट। अब अगली वीडियोस में मैं आपको प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड की हेल्प से नेशनल इनकम कैसे फाइंड आउट करते हैं ये बताऊंगा। थैंक यू।